अंबेडकर नगर महू, महू से आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की उषा ठाकुर को विजय हासिल हुई है। जनता ने उनके रिपोर्ट कार्ड पर पास की सील लगा दी है। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रामकिशोर शुक्ला, उनको तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा है, क्योंकि जो मुकाबला हुआ है वो उषा सिंह ठाकुर और अंतर सिंह दरबार, पुराने खिलाड़ी राजनीति के, उनके बीच में ये मुकाबला हुआ है और कांग्रेस खिसक के तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। मैं आपको जो टैली है, जो नंबर टैली है हमारे पास, उसको देख के बताता हूँ कि उषा सिंह ठाकुर को 1,29,089 वोट मिले हैं, वहीं अंतर सिंह दरबार को 68,597 वोट मिले हैं और कांग्रेस के रामकिशोर शुक्ला तीसरे नंबर पर खिसक के पहुंच गए, उनको 29,144 मतों से संतोष करना पड़ा है और वो जीत हार की टैली में तीसरे नंबर पे आ गए हैं। उषा ठिंग उषा ठाकुर जो हैं वो अभी मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं और उनका अपना रौब है, अपना रुतबा है, विधानसभा का लंबा तजुर्बा उनके पास में है। मंत्री के रूप में वे बेहद शालीन मंत्री मानी जाती हैं, दंड भंग से काफी दूर हैं और हिंदुत्ववादी उषा ठाकुर को जनता पसंद करती रही है पहले भी और इस बार फिर उनको मत दिया है। उषा ठाकुर विधानसभा के भीतर आने वाली ऐसी पहली महिला थी जो अपनी कमर पर कटार लटका के आती थी। इसको लेकर कई बार विवाद बनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए ये सब जरूरी है और वो आत्मरक्षा के लिए महिलाओं के हथियार रखने की पक्षधर हैं। उषा ठाकुर एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंच रही हैं और मुझे लगता है कि उनकी जिस तरह की कार्यप्रणाली है उसे देख के ऐसा एहसास होता है कि उन्हें एक बार फिर मंत्री पद से नवाजा जाएगा और उनको कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा। और जिस तरह की उनकी वर्किंग है, संस्कृति मंत्रालय, टूरिज्म मिनिस्ट्री जो अभी उनके पास थी, वो उनके हिसाब से बेहद मुफीद है। और बाकी जो भी नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का बनेगा या शिवराज सिंह बनेंगे, वो तय करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन होना चाहिए और कौन नहीं। लेकिन लाडली और नरेंद्र मोदी की आंधी में इस बार बीजेपी के अधिकांश नेता जो प्रत्याशी के रूप में थे, विधायक बनकर विधानसभा के भीतर। बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था, त्रिकोणी मुकाबला माना जा रहा था इसको, और त्रिकोणी मुकाबले में इतनी बड़ी जीत हासिल करना उषा सिंह ठाकुर के कद को और ऊंचा करता और निश्चित तौर पर नई सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, हिंदुत्ववादी नेता है, प्रखर मुखर नेता है, उनके दिए बयान चर्चा का विषय भी बनते हैं और जनता उनके इसी अंदाज को पसंद करती है, इसलिए जनता ने उन्हें खूब वोट दिया और विधानसभा में फिर से पहुंचा दिया। यकीनन जो महू सीट है वो बिल्कुल जो मामला, 36 सीटों में से महू भी एक थी जहाँ पे त्रिकोणी और चतुर्थकोणी मुकाबले थे और ये माना जा रहा था कि 36 सीटें जिसके पास जाएंगी सरकार उसकी मिलेगी, बनेगी। और आप देखिए कि उन 36 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। एक एक सीट के जोड़ बाकी पर हम गणित का हिसाब किताब लगा रहे हैं कि इस पर बहुत सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कौन ज्यादा क्षमतावान है, किसकी क्षमता कम है, कौन नया है, कौन कैसा है और कौन मंत्रिमंडल में जगह पा पाएगा, क्योंकि मंत्री तो उतने ही बनने हैं, सीमित एक संख्या है कि 34-35-33 मंत्री बना के रखे जाते हैं, एक आध दो को लटका के रखा जाता है, लॉलीपॉप देके भविष्य में बनाएंगे। तो जब नए मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन उषा ठाकुर को भविष्य के मंत्री के रूप में हम देख सकते हैं। राजनीति की बारीकियों पे हम इसी तरह चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।